एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। तो आज की ये हमारी वीडियो होने वाली है आइकिया के ब्लैकआउट ब्लाइंड्स के ऊपर। तो मैंने अपने किचन के लिए जो है एक ब्लाइंड खरीदा है लगाने के लिए। चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसे कहाँ लगाने वाले हैं। हाँ जी, तो जो ब्लाइंड है वो यहाँ इस विंडो के ऊपर लगने वाली है। तो ये साइड में जो है यूटिलिटी का डोर है, इसके बाजू में यहाँ विंडो है, और ये जो विंडो है ये गैस स्टोव के बिल्कुल पास में है, और इसी के साइड में ऊपर यहाँ पर जो है एक कबर्ड भी है जो ऊपर की तरफ खुलता है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जगह पर जो है ब्लाइंड लगाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। सो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर हम ब्लाइंड लगा सकें, क्योंकि यहाँ पर ग्रिल भी लगी हुई है बीच में। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ना बाहर की तरफ जो है वो ब्लाइंड लगा देंगे। मेन जो हमारा पर्पज़ है कि रोशनी अंदर से रुकनी चाहिए। तो जी ये बाहर की तरफ कुछ इस तरह से है हमारी विंडो। तो ये हमारा एसी है, यहाँ पर इसकी जो पाइपलाइन है इस तरह से जा रही है, तो इस पाइपलाइन के ऊपर लगा देंगे तो यहाँ बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। हाँ जी, तो एक्चुअली समर शुरू हो गया है और जो आफ्टरनून में जो धूप आती है दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है किचन के अंदर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्लाइंड लगाने वाले हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं कि हम कौन सा ब्लाइंड लेके आए हैं। तो ये है जी हमारा ब्लाइंड। तो ये पूरा ब्लू कलर का है और इसके साथ मैकेनिज्म पूरा आता है, और इसकी जो डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये यहाँ पर MRP जो लिखा हुआ है 2646, इसमें कुछ ऑफर चल रहा था तो ये 2200 का था, है ना, 2200 से। तो ये 2200 का था, और इसका जो मैकेनिज्म है कुछ इस तरह से वर्क करता है, देखिए जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे, ठीक है जी। तो ये इसका कोड वगैरह है, और इसका जो साइज़ हम लोग लेके आए हैं इट इज़ 120 सेंटीमीटर है, मतलब 47 इंचेस, और लेंथ में ये काफ़ी लंबा है 195 सेंटीमीटर। तो चलिए अभी इसे खोल के देखते हैं। ये कपड़ा क्या है, वॉशेबल है ना, पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक है कि कपड़ा है, कुछ क्लॉथ है ना, पूरा क्लॉथ है पूरा। तो इसके साथ ये मैनुअल भी दिया गया है। आईकिया से कुछ भी चीज़ें लेते हैं ना तो इसका यही एक वो रहता है कि आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता है, डिटेल दे देते हैं, बस ये खुद लगा लो। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो देखते हैं, पहले तो ये बटन आ गया है ब्लाइंड, और साथ में इसका रोलर है, स्टिक है ना, ये स्टिक के साथ ऑपरेट होता है। तो जहाँ पर ज़्यादा हाई सीलिंग है वहाँ के लिए ज़्यादा बेटर है, है ना। अगर हाइट ज़्यादा है आपकी विंडो की तो उस जगह के लिए ये बेटर है, क्योंकि ये जो स्टिक दी गई है ना वाइट कलर के साथ में, तो ये हैंग करेगी नीचे से, तो आप इजीली जो है इसे ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा दो तीन ऑप्शंस और भी थे और इसके अंदर, लेकिन वो स्टिक के साथ नहीं थे, ब्लैकआउट ब्लाइंड से दो और, एक ग्रे कलर का था एक वाइट था, वाइट था ना, लेकिन उसके अंदर जो है ना नॉर्मल जैसे हम बटन खींच लेते हैं नीचे वैसा था, वो स्टिक वाले में खाली ये ब्लू कलर ही था अभी फिलहाल शायद स्टॉक में। तो ये जो स्टिक है ये इस तरह से है, और ये सारा इसका मैकेनिज्म दिया गया है। तो चलिए अभी देखते हैं ये लगना कैसे है। तो इसके साथ जो हमें मैकेनिज्म मिला है वो कुछ इस तरह से है, और तो ये की दिया गया है इसके साथ में, और ये जो स्टिक है इसके कॉर्नर के ऊपर ये है राइट, और इसके नीचे की तरफ थोड़ा कि ब्लाइंड जो है हैवी रहे, यहाँ पर भी अंदर एक प्लास्टिक का जो है एक वेट दिया गया है, और बाकी का मैकेनिज्म ये है। तो चलिए अभी सिर्फ खोल के देखते हैं, खोलो।
तो फाइनली जो है हमारा कर्टन ब्लाइंड जो लग गया है और इसे हमने जो है उल्टा लगाया है ताकि इसे लेफ्ट हैंड साइड में जो इसे ऑपरेट करना थोड़ा इजी हो जाए। खींच के देखो, तो ये वो प्लास्टिक की स्टिक और ये इसके अंदर कुछ इस तरह से चले जाएगी। ये इसलिए है ताकि थोड़ा सा वेट रहे और हवा के साथ उड़े नहीं पड़ता, राइट। हाँ जी, तो ब्लाइंड हमारा लग गया है, विक्रम ने अच्छे से लगा दिया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऊपर इस तरफ, तो ये ब्लाइंड काफ़ी ऊपर लगा हुआ है, इसीलिए हमने ये जो स्टिक वाला है ना ब्लाइंड, ये वाला इसीलिए लिया है। अगर दूसरा नॉर्मल होता तो उसे पकड़ के खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो ये बहुत ईजी है। जस्ट स्टिक को हम ऐसे नीचे की तरफ करेंगे और ये पर्दा जो है हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये देखिए इतना हमारा आ गया है। तो इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ पूरा। तो ये ब्लाइंड को मैंने पूरा खोल दिया है और देखिए ये कितना लंबा है। तो अगर आपकी फुल साइज विंडो है अराउंड 6 फीट के करीब भी होगी तो ये काम करेगा। तो ये यहाँ पर जो है मेरी 4 फीट की विंडो है और ये विंडो से 2-2.5 फीट नीचे तक जो है ये हमारा ब्लाइंड जो आ गया है। तो मैं तो यूजली इतना ही यूज़ करने वाली हूँ। बाकी ये जो मटेरियल है कपड़े का, ये साइड तो ये क्लॉथ है लेकिन ये साइड में ना थोड़ा सा प्लास्टिक के जैसा फील है, तो इसीलिए हमने अपना जो ये ब्लाइंड है ये उल्टा लगाया है ताकि कभी बाहर की तरफ से ये ज़्यादा गंदा भी होगा तो इसे क्लीन करना थोड़ा ना ईजी हो जाएगा। पाइप लगा के पानी भी मारेंगे तो साफ हो जाएगा। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। देखिए इसे हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ब्लाइंड रोल हो जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे पर्दा आ जाएगा हमारा नीचे। तो चलिए एक बार अंदर से देखते हैं कि ये जो है हमारा ब्लैकआउट हो रहा है कि नहीं। तो अभी डोर बंद कर दिया है, देखिए बाहर से धूप कैसे आ रही है। तो अभी हम पर्दा जो है बंद करके देखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।